कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरी पहली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए, और इसी तरह से मेरी वीडियोस को आप लाइक करते रहना। तो चलो, अब मैं उठ चुकी हूँ और मेरे को ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ था और अब 7:30 होने को आ रहे हैं और मैं अब जाके उठी हूँ। बहुत आलसी हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। चलो, मैं पहले अब जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ ऑफिस जाने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे। तो चलते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले उठने के बाद, ये मेरी मम्मी के आंगन में आते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं 3 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। ये मेरा डेली का हैबिट हो चुका है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मेरे को पीना ही पीना है गर्म पानी। बिना गर्म पानी पिए तो मेरे दिन की स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती है। तो मैं भी अपना पानी गर्म कर रही हूँ। चलो पानी पी लो फटाफट से। तो पानी पीने के बाद मैं चाय पीने जा रही हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा एक भी दिन नहीं निकल सकता। मेरा तो सर दर्द होने लगा था, तो मैं एक भी दिन चाय ना पीऊँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको भी चाय पीने की आदत है। मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऑफिस जाने के लिए अब रेडी हो चुकी हूँ और ये लड़की, ये इसकी छुट्टियाँ चल रही है अभी स्कूल की, तो इतनी लेट उठी है और उठते ही मेरे वीडियो में घुस गई। और वो देखो आप, मेरी बहन मेरा पूरा बैग अच्छे से संभाल रही है ऑफिस जाने के लिए। पापा ऑफिस ले जाने के लिए मेरा वेट कर रही है, डेली मुझे ऑफिस लेके जाते हैं। तो मैं मेरे ऑफिस पहुंच गई हूँ और कुछ ज़्यादा ही मैं आज लेट हो गई हूँ ऑफिस आने में। आज तो मेरी डांट लगनी पड़ती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Six and a half hours later. तो मैं अब निकल चुकी हूँ ऑफिस से और कुछ ज़्यादा ही ठंड है इस वक्त। ये तो कुल्फी जम गई है, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। ये कौन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए? मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये कोई मुझसे मिलने नहीं आया है, ये बस अपना काम करवाने के लिए आया है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है, मुझसे मिलने नहीं आया है। तो वो बेस्ट फ्रेंड, एक बार बता, वो बेस्ट फ्रेंड क्या, तो दूसरे बेस्ट फ्रेंड की हेल्प ना करे, ऑब्वियसली बात है। कह रहा वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो एक बेस्ट फ्रेंड की हेल्प ना करे। हेल्प तो ठीक है, लेकिन कभी मिलने के लिए भी आओ भाई, काम निकलवाने के लिए क्यों आते हो मुझसे मिलने? तो सीधा बोलो, तुझे रिश्वत देना है। काम करके देने वाली हूँ तो उसके बदले में घूस तो लूंगी ना मैं। अब सो क्योंकि ये घूस ले रही है, घूस दे रही है, घूस ले रही हूँ उससे। हाँ, क्योंकि घूस ले रही है तो मैं उसको चाहिए तो दे रहा हूँ। पहली बार घूस नंबर एक ये रहा, ठीक है, घूस नंबर दो ये रहा। क्या है? और क्योंकि इसका YouTube चैनल मेरा बहुत सही चल रहा है, ठीक है, YouTube चैनल का बहुत सही चल रहा है, तो एज अ दोस्त मेरी तरफ से एक प्रेजेंट। थैंक यू। क्योंकि तू एक नंबर की भुक्कड़ भी है, तो गिफ्ट बस हो गया। अब ना मेरा काम हो चुका, मुझे चॉकलेट मिल चुकी, तेरा फॉर्म मैं ले चुकी, तो अब तो दफा हो गया, ठीक है। सो बेसिकली फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली जिस भी कली अब हम खाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बेचारा सुबह से कुछ खाया नहीं है, इधर उधर भागने के चक्कर में तो ये खाने के लिए रुका हुआ है। बस भुक्कड़ को देखो, बस इसको एक ही काम करवा लो, वीडियो बनाना सुबह उठ के और खाना खाना बस। और पूरे 24 घंटे में ये लड़की 16 घंटे खाना खाती दिखेगी बस। कुछ भी, कुछ भी। देखो देखो जरा, देखो 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 इसको, देखो देखो। तो मुझे घर जाने में वैसे ही इतना लेट हो रहा था, इसके चक्कर में और लेट हो चुका है। हाँ, आज अच्छे से आना, अच्छे से आना। मेरी मेट्रो आ गई। चलो सागर, आपकी वजह से बहुत लेट हो चुका है मुझे। तो आपके और मेरे रास्ते अब अलग होते हैं सागर, आप अपने घर की तरफ दफा होएं और मैं अपने घर की तरफ दफा हो जाती हूँ, ठीक है। मेट्रो से निकलते इतनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड दिल्ली में, मतलब। मैं
अब अपने घर पहुंच चुकी हूँ और मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी है। मेरे पूरे बाल बाल सब बिखरे हुए, वो मेरी चाची वहाँ खड़ी है पीछे पीछे वो खड़ी है, वो वीडियो में नहीं आ चाहती पर मैंने उनको वीडियो में ले लिया तो भी। और ये पापा मेरी मम्मी को समझा रहे हैं कि मेरी वीडियो उन्होंने शेयर करी कि नहीं करी। मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में आ गया, पापा मम्मी ने सबको वीडियो शेयर कर दी होगी। आज पापा का ट्यूसडे का फास्ट है इसीलिए वो ऑफिस से आने के बाद पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद फिर वो अपना फास्ट खोलेंगे। तो मैं अभी अपने रूम में आई हूँ और ये माँ बेटी मेरे बिना कुछ खा रही हैं। तू भी खा ले, अब तो बोलने के बाद तो पूछोगे ही, तू भी खा ले, मेरे बिना खाया जा रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो गाइज अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय करते मम्मी।